हेलो और भाई लोग, इस वीडियो में आप सभी लोगों को डेक्स माइनस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है क्या स्का फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ना भाई लोग, आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिल जाएगा। बोले तो अगर आप यहाँ पे $2 या फिर $5 का इन्वेस्टमेंट करते हो, देन आप लोगों का मनी जो है ना आधा घंटे या फिर एक घंटे का अंतर, मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 100 गुना का भी मतलब प्रॉफिट निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो देन यहाँ पे $2 से लेकर $5 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, उससे ज़्यादा का बिल्कुल भी मत करना, और जो करना आप अपने रिस्क पे करना। ठीक है, बस वीडियो को पूरा देखो बिना स्किप, आप लोग सारे के सारे डिटेल पता चल जाएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो यार भाई लोग ज्वाइन हो जाना। आप लोगों को नया लूट कोई लूट का अपडेट या फिर कोई भी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर आता है ना, देन आप लोग सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिल जाता है। आप लोगों का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों को मोस्ट मोस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बनता है। ठीक है ना, देखो पहले अब मैं आप लोगों को सारा चीज़ समझाता हूँ। देखो इनका जो प्लेटफॉर्म है ना, मतलब इनका जो वेबसाइट है, मतलब इनका जो टोकन वाई सेल शुरू होगा ना आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ठीक है, देखो पहले आज का डेट है 2021 जून 15 तारीख। ठीक है, तो इनका जो टोकन बाय सेल शुरू होगा 9:30 बजे शुरू होगा। आप लोगों को यहाँ पे इनका टोकन को बाय करने के लिए मौका मिल जाएगा। ठीक है, याद रखो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है देन $2 से लेकर $5 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, उससे ज़्यादा ₹1 भी मत करना, और आप जो करना आप अपने देश में करना। अगर नहीं करना चाहते हो देन इन से वीडियो को स्किप करके आप लोग यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, बस इतना ही। और देखो भाई मैं आप लोग सारा चीज़ बताता हूँ। देखो इनका जो प्लेटफॉर्म है ना, मतलब आप लोग यहाँ पे 9:30 बजे टोकन बाय करने के लिए मौका मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप टोकन बाय करते हो, इनका एक टोकन का प्राइस 7 रुपये से शुरू होगा। ठीक है, अगर आप उसी प्राइस से बाय कर देते हो ना देन एक सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड के अंदर इनका जो टोकन का प्राइस है ना 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये 100 रुपये भी बन सकता है। ठीक है ना, बस इसी माध्यम से आप लोग यहाँ पे 2 से लेकर 5-10 गुना का ईजिली प्रॉफिट निकाल पाओगे। ठीक है, बस ये इस तरह कुछ काम करने वाला है। लेकिन मैं आप लोग बोलना चाहता हूँ यहाँ पे इसमें ना सभी लोग ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन जो आईडी होता है ना, मैं आप लोग एक चीज़ समझा देता रहा हूँ। जो आईडी होता है ना, मतलब आईडी का मतलब ये है ना, जैसे मैंने आप लोग एक व्हाइट लिस्ट का ऑफर दिया करता था। ठीक है, व्हाइट लिस्ट देखो, ये एक व्हाइट लिस्ट का ऑफर दिया था जो कि आया था ट्रस्ट बार की तरफ से ऑक्टोपस का। देखो ट्रस्ट बार और ऑक्टोपस दोनों ने मिला के एक व्हाइट मिस जो व्हाइट लिस्ट का इवेंट शुरू किए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना भाई लोग, यहाँ पे लाखों लाख बंदे इनका जो व्हाइट लिस्ट पे ज्वाइन किए थे, इनमें से ये किसी 100 बंदे को ना विनर मानेंगे। ठीक है, विनर लिस्ट पे लाएंगे। ठीक है, इसमें एक अच्छा बात है ना, हमारे ग्रुप का मतलब देखो हमारे ग्रुप पे टोटल 200 या फिर 150 बंदे एक्टिव मेंबर है, लेकिन इन हमारे ग्रुप के एक बंदे भी मतलब यहाँ पे विनर पे आया था। लाखों बंदे ज्वाइन किए थे, लाखों में 100 में 1 वो भी हमारे ग्रुप का एक बंदे थे। ठीक है, लेकिन भाई लोग देखो इसमें क्या होता है ना, अगर आप आईडियो पे विनर लिस्ट पे आते हो देन आप लोगों को यहाँ पे इसी तरह टोकन बाय करने के लिए मौका मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो सारे के सारे बंदे ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन आईडियो पे और नहीं होते। आईडियो पे मान लो इनका जो टोकन का लिस्टिंग प्राइस रहेगा ना, मान लो ये इनका टोकन को 100 रुपये पे लिस्टिंग करना चाहते हैं शुरू से, लेकिन अगर आप आईडियो पे विनर पे आए होंगे ना देन उस टोकन को पहले से 10 रुपये पे आप लोग बाय कर सकते हो अगर आप विनर पे आते हो तो। ठीक है, तो ये कुछ आईडियो जो व्हाइट लिस्ट होता है ना, ये कुछ इस तरह काम करता है। लेकिन कोई भी बंदा, जो भी मैं आप लोगों को आईडियो का ऑफर वगैरह दूंगा तो कोई भी मिस मत करना। आप लोगों का मनी इजिली मतलब चुटकियों में ना आप लोगों को 5 गुना से लेकर 10 गुना प्रॉफिट इसमें आईडियो पे हो जाता है अगर आप विनर लिस्ट पे आते हो। लेकिन एक अच्छा बात है ना, हमारे ग्रुप का एक बंदा मतलब विनर पे तो आया था, लेकिन एक बुरा बात यह है कि उन्होंने जब मुझे SMS किया था ना, मैं उनका SMS का मतलब उन्होंने SMS मुझे लेट पे किए थे और मैं उनका रिप्लाई भी लेट पे दिया था जब भी मैं उनका SMS सेंड किया था। इसके वजह से थोड़ा बहुत लेट हो गया और इन्होंने मतलब मिस कर दिया, इनका जो प्रॉफिट था ना मिस को प्रॉफिट को गवा दिया। बस इसमें एक बुरा बात ये था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा मतलब महसूस हुआ था कि हमारे ग्रुप का एक बंदा मतलब विनर लिस्ट पे आया था, मतलब लाखों में से एक हो गया। ठीक है, बस इतना ही। अब चलते हैं हमारे जो वीडियो है ना, मतलब हमारे जो प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे चलते हैं जो इनका जो क्या स्का फाइनेंस है। उसके साथ आप लोग बोलना चाहता हूँ भाई, मैंने आप लोगों को कल एक क्या स्का फाइनेंस का एडअप दिया था, उसमें आप लोगों को 350 से लेकर 750 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। सभी वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा सारा ऑफर, अगर ज्वाइन नहीं होना तो ज्वाइन हो जाना फटाफट। देखो पहले मैं आप लोगों को इनका जो प्लेटफॉर्म है ना समझा देता हूँ। देखो और पहले आज सुबह 9:30 बजे ना इनका जो वॉइस सेल शुरू होने वाला है, इसमें सभी बंदा ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर आप मान लो 9:30 बजे इनका शुरू होगा टोकन बाय सेल, तो आप अगर उसी टाइम बाय कर लेते हो ना देन इनका एक टोकन का प्राइस 7 रुपये शुरू होगा। अगर आप उसी टाइम बाय कर सकते हो देन आप लोगों का मनी जो है ना आधा घंटा या फिर एक घंटा या फिर थोड़ा टाइम के अंदर आप लोगों का प्रॉफिट निकल जाएगा 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना या फिर उससे ज़्यादा का। ये कुछ सेम टू सेम इसी तरह काम करने वाला है। तो आप लोग किस तरह टोकन वगैरह बाय करोगे मैं आप लोग फूल के सारे प्रोसेस बता दूंगा, बस वीडियो को पूरा देखो। उससे पहले आप लोग बोलना चाहता हूँ, टोकन बाय करने से पहले आप लोगों का यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे ना आप लोगों का स्मार्ट चेन होना चाहिए। याद रखो स्मार्ट चेन होना चाहिए। स्मार्ट
आर्टन हो या फिर BUSDT हो, इन दोनों में से कुछ होगा ना, तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, देखो यार भाई, आप लोग एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप ट्रस्ट ऑल पे स्मार्ट चेन रखते हो ना, देन स्मार्ट चेन का प्राइस क्या होता है ना, नीचे आता है और ऊपर भी जाता है। मान लो आपने यहाँ पे 1000 रुपये का स्मार्ट चेन रखे, स्मार्ट चेन प्राइस मतलब BNB रखे यहाँ पे, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्मार्ट चेन, मान लो आपने 1000 रुपये का BNB रखे और उस टोकन प्राइस नीचे आ गया, तो आप लोगों का जो मनी होगा ना 1000 रुपये, वो भी थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे BUSDT रख दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई भी टोकन आता रहता है ना जो कि BEP20 के ऊपर होता है, तो ये सेम टू सेम BEP20 के ऊपर भी है, जो क्यास का फाइनेंस टोकन है ना, ये BEP20 के ऊपर है, तो कोई भी टोकन BEP20 के ऊपर होता है ना, देन आप लोगों को यहाँ पे स्मार्ट चेन का चार्जेस लगता है। ठीक है, 2-10 रुपये, 5 रुपये, 10 या फिर मतलब देखो 5-10, 15-20 या फिर 40 रुपये तक टॉप यहाँ पे चार्जर लगता है। तो आप लोग यहाँ पे स्मार्ट चेन पे कुछ ना कुछ यहाँ पे मनी होना चाहिए, और उसके साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, देन यहाँ पे $5-10 का यहाँ पे स्मार्ट चेन का बैलेंस यहाँ पे डाल देना, नहीं तो BUSDT पे रख सकते हो। BUSDT पे रखने का बस इतना अच्छा बात है ना, देखो BUSDT एक स्टेबल टोकन है, ठीक है, इसका प्राइस इसका जो प्राइस है ना स्टेबल रहता है हमेशा 73 या फिर 72 रुपये पे रहता है, नहीं तो 75 रुपये का अंदर रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2700 रुपये का BUSDT रख दिया, इस टोकन प्राइस ऊपर नहीं जाएगा या फिर नीचे भी नहीं आएगा, इसमें एक अच्छा बात है। अगर स्मार्ट चेन पे मनी रखते हो, देन आप लोगों का प्राइस टोकन ऊपर भी जा सकता है लेकिन नीचे भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ मनी स्मार्ट चेन पे रख दिया और कुछ मनी यहाँ पे BUSDT रख दिया, लेकिन मैं जो काम करूँगा BUSDT पे करूँगा। अब आप लोगों को बता दो सब कुछ, देखो आप लोग तो यहाँ पे स्मार्ट चेन या फिर BUSDT कुछ दोनों में से कुछ एक लेके रख लिया। अगर आप यहाँ पे BUSDT रखते हो ना, याद रखना आप लोगों का स्मार्ट चेन 100 या फिर 150 रुपये का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस के लिए। ठीक है, बस इतना ही। देखो अब आप लोग बता दो इनका जो टोकन है ना किस तरह बाय करके। देखो पहले इनका मतलब जो वेबसाइट है ना, इनका वेबसाइट का मैं लिंक दे दूँगा, मतलब इनका जो फाइनेंस का वेबसाइट है ना मैं लिंक दे दूँगा। सिंपल सा लिंक ओपन करना, ट्रस्ट का जो डैब ब्राउज़र है ना, ट्रस्ट वाले डैब ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन करना, 9:30 बजने का 5 मिनट पहले आप सभी क्या करना, आ जाना। ठीक है, ट्रस्ट वाले पे मनी यहाँ पे डाल के आप सभी आ जाना, मतलब 9:30 बजे से 5 मिनट पहले, मतलब 9:25 पे आप सभी आ जाना यहाँ पे। आप लोग दिखा दिया डैब ब्राउज़र सेशन, देन आप लोग यहाँ पे क्या करना, मैंने आप लोग जो लिंक दूंगा ना, इनका जो फाइनेंस का लिंक है, सिंपल सा लिंक को यहाँ पे डाल देना। लिंक को डालने के बाद आप लोग सामने कुछ इस तरह पेज ओपन कर देगा, आप लोगों को ऊपर यहाँ पे इथेरियम सिलेक्ट होगा, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे स्मार्ट चेन सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद भाई लोग देखो आप लोग यहाँ पे इंटर आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है, इनका टोकन याद रखो, इनका जो एक टोकन है ना 7 रुपये से शुरू होने वाला है, तो इंटर ऐप के बटन पे क्लिक करना, आप लोगों से इनका जो वेबसाइट है ना प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे टाइमर चल रहा है, क्योंकि अभी 9:30 नहीं बजा, जब भी 9:30 बजेगा ना तुरंत आप लोग क्या करना, इनका जो टोकन है ना उस बाय कर लेना। ठीक है, टोकन किस तरह बाय होता है मैं आप लोगों को वो बता दूंगा। इनका टोकन बाय कर लेना, ज़्यादा बाय मत करना, 2 से लेकर 5 डॉलर के इन्वेस्टमेंट करना, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत करना, मैं आप लोगों को बताता हूँ, और क्यों भी बता रहा हूँ आप लोग सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, देखो आप इनका टोकन बाय कर लेना, बाय करने के बाद आप सभी देखते रह जाना उस टोकन का प्राइस है ना, मान लो आपने 7 रुपये पे बाय किया, तो उस टोकन प्राइस क्या क्या हो रहा है, अगर 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट दे रहा है, तो आप उस टोकन को वहाँ से निकाल भी सकते हो, सेल भी कर सकते हो। ठीक है, और किस तरह सब कुछ करोगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल इनका ये जो वेबसाइट है ना, आप यहाँ पे बाय करने की कोशिश करना, फिलहाल के लिए तो ये ओपन नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों का वहाँ पे बाय नहीं होता ना, देन आप लोग उसे 9:30 बजे पैनकेक शॉप पे भी बाय कर सकते हो। देन पैनकेक शॉप आप लोग कहाँ पे मिलेगा, ट्रस्ट वाले का डैब ब्राउज़र पे आ जाना, आप लोग यहाँ पे नीचे दिखा दिया पैनकेक शॉप, देन आप लोग इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने बाद आप लोग से यहाँ पे पैनकेक शॉप ओपन हो जाएगा। आप लोगों का ऊपर आपने किस चीज़ पे बाय करना चाहते हो, मेरे पास BUSDT है, BNB भी, अगर मैं चाहूँगा ना मैं BUSDT टू और टोकन बाय कर लूँगा, तो यहाँ पे मैं BUSDT सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको BNB से बाय करना है ना, देन BNB भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो BUSDT मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब आप लोगों नीचे जो सिलेक्ट करेंसी आ रहा है ना, देन आप लोग इसके पे क्लिक करना। इनका जो टोकन का एक मतलब कॉन्टैक्ट एड्रेस है ना, ठीक है, इनका टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो इनका जो मतलब वेबसाइट का जो लिंक है ना, मैं आप लोगों को हमें टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। सिंपल सा लिंक को आकर डैब ब्राउज़र पेज करना, इस तरह पेज देगा, यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगा लर्न मोर के बटन पे क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने बाद आप लोग थोड़ा नीचे आना के बाद इनका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है ना शो हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेना, यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करने के बाद आप अपने जो पैनकेक शॉप है ना, अगर आपने पैनकेक शॉप से बाय करे हो ना, देन पैनकेक शॉप पे चले जाना, वहाँ पे जो सिलेक्ट करेंसी है ना, यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस को डाल देना। कॉन्टैक्ट एड्रेस डालने के बाद आप लोग यहाँ पे इनपुट का ऑप्शन आएगा, देन इनपुट कर लेना, आप लोगों का जो टोकन है ना यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे BUSDT बाय करना चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे $5 का बाय करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर BUSDT लिख दूंगा तुरंत, भाई जो करना आप तुरंत करना, 1-2 मिनट का अंदर जल्दी करना, क्योंकि इनका टोकन का प्राइस ऊपर होता जाएगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ याद ध्यान पे रखना होगा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, कौन सा चीज़ ध्यान पे रखोगे आप लोग, मैंने जैसे कि यहाँ पे $5 का बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, आप अगर यहाँ पे $5 बाय करते हो ना, देन याद रखना आप लोग का यहाँ पे टोकन 50 टोकन से ऊपर, सॉरी 50 टोकन तो ऊपर नहीं होगा, यहाँ पे आप लोगों का 35 टोकन से अगर ऊपर होगा ना, 35 टोकन से ऊपर या फिर 40 टोकन से ऊपर होगा ना, देन आप लोग यहाँ पे क्या करना, तुरंत अप्रूव करके स्वैप कर देना। ठीक है, ये टोकन आप लोगों का स्वैप हो जाएगा। स्वैप का चार्जेस वगैरह लगेगा 20-30 रुपये का, जो बाइनेंस का स्मार्ट चेन का फीस लगेगा, तो आप लोग स्वैप कर देना, आप लोगों का जो टोकन है ना बाय हो जाएगा। ठीक है,
और बस इसमें इस तरह करना होगा। अगर आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, देन उसका सोल्यूशन बताता हूँ, पहले मैं इसे समझाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे $2 का इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो अगर आप यहाँ पे $2 का इन्वेस्टमेंट करते हो, देन आप लोग यहाँ पे याद रखना, आप लोगों का जो टोकन है ना यहाँ पे भाई, आप लोगों का टोकन यहाँ पे 15 टोकन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा ना, देन आप लोग बाय मत करना, क्योंकि इस टोकन के पास ना तुरंत इंक्रीज हो जाएगा। मान लो आपने यहाँ पे $5 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, $5 पे अगर आप लोगों के यहाँ पे $3 लिखा आ जाएगा, सॉरी मान लो $5 आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, देन $5 पे अगर आप लोगों का 3 टोकन शो हो रहा है, $5 पे 3 टोकन या फिर 10 टोकन शो हो रहा है, देन आप लोग वेट कर जाना, टोकन को बाय मत करना, वेट कर जाना। अगर आप लोग यहाँ पे $5 डालते हो, देन इस टोकन $5 पे आप लोगों का टोकन यहाँ पे मान लो $10 को भी कोई मत डालना, $5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। $5 डालते हो, $5 पे अगर आप लोग यहाँ पे 20 टोकन होता है ना, फिर भी इसे बाय कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो इसे, ठीक है। अगर $5 से 20 टोकन भी बनता है ना, बाय कर सकते हो, लेकिन याद रखना $5 से $40 ऊपर अगर बना गया ना, तो आप लोग बाय करना मस्ट मस्ट। $20 भी बाय करने को मैं आप लोगों का मना कर रहा हूँ अभी, ठीक है। बस इसी प्रोसेस से आप लोग तुरंत बाय कर सकते हो। याद रखो, अगर $5 से आप लोगों का $20 बनना है, देन $20 को बाय मत करना, $20 को बाय मत करना, वहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना, प्राइस तुरंत ऊपर जाएगा, तुरंत नीचे भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इनका टोकन को यहाँ से बाय कर सकते हो। तो मैं आप लोगों का छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ। मान लो अगर आप लोगों के पास यहाँ पे BNB है, तो BNB पे किस तरह बाय करोगे, मैंने कुछ भी यहाँ पे एक टोकन ले लिया, BNB पे किस तरह बाय करोगे, आपने कितना रुपए का बाय करना चाहते हो, ठीक है ना, पहले से सेट कर देना। देखो आप लोग कितना रुपए का बाय करना चाहते हो, मैं यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे कॉइन गेको पे यहाँ पे जाता हूँ, कॉइन गेको यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो आप लोग क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ पे सर्च करने के बाद आप लोगों से कुछ इस तरह पेज लोडिंग होकर आ जाएगा, यहाँ पे BNB सर्च कर देना, BNB सर्च कर देना, यहाँ पे आ जाएगा BNB, ठीक है। आपके पास अगर BNB होगा ना, तब भी करना, अगर BUSD है तो यहाँ पे $1 $2 भी डाल सकते हो, ठीक है। एक BUSD का प्राइस $1 का बराबर है, BUSD का प्राइस $5 के बराबर है। सो भाई देखो, आप लोग यहाँ पे आ जाएगा बाइनेंस आ जाएगा, ठीक है। बाइनेंस को क्या करना, आप लोग थोड़ा नीचे आना। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर आप कॉइन गेको ओपन करते हो, देन आप लोग यहाँ पे USDT शो हो रहा होगा, इसके पे क्लिक करना, आप लोग यहाँ पे INR चूज कर लेना होगा, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। इंडियन रुपये में यहाँ पे INR चूज कर लिया, INR चूज करने के बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे मैं 350 रुपये का बनता है $5, तो 350 रुपये डालता हूँ, तो 350 रुपये में मेरे यहाँ पे 0.01 BNB बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, यहाँ पे 0.01 BNB डाल देना, वो 350 रुपये का हो जाएगा, आप लोगों के यहाँ पे टोकन शो हो जाएगा। अगर आप 0.01 मतलब मतलब 0.01 का वैल्यू है मतलब $5, ठीक है। अगर आप $5 का बाय करते हो ना, ठीक है, तो आप लोग याद रखना यहाँ पे मतलब 40 टोकन से ऊपर अगर शो होगा, देन यहाँ पे स्वाप करना, ठीक है, अप्रूव करना पहले, उसके बाद स्वाप का ऑप्शन आएगा अवेलेबल होगा, देन स्वाप करना, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान पे रखो, अगर आप स्वाप करते टाइम आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तुरंत स्वाप करते टाइम अगर आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है, देन आप लोग यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन दिखा दे, देन इसके ऊपर क्लिक करना, आप लोगों को सॉरी आप लोगों के यहाँ पे जो एक 3 डॉट आ रहा है ना यहाँ पे, आप लोग सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के यहाँ पे जो स्लिपेज है ना, इसे मतलब स्लिपेज सेट करना होगा। तो स्लिपेज किस तरह सेट करोगे, देखो इनका जो प्लेटफॉर्म ओपन होगा ना, वहाँ पे इन्होंने अगर अगर मतलब स्वाप वगैरह करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आता है, देन स्लिपर पे आप लोग क्या करोगे, मैं आप लोगों को दे दूंगा स्लिपेज इनका जो क्या होगा ना, अगर आप लोगों का एरर आएगा, देन स्लिपेज पे क्या लिखोगे यहाँ पे, मैं वही दे दूंगा, जो दूंगा ना आप लोग यहाँ पे वही डाल देना होगा, ठीक है। यहाँ पे वही डाल दूंगा ना, मान लो यहाँ पे 10 स्लिपेज रहेगा तो 20 रहेगा, तो यहाँ पे उसी हिसाब से डाल देना, उसी हिसाब डाल के आप लोगों के पास यहाँ पे इसे कर देना, ठीक है, इससे कर देना, आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ठीक यहाँ पे उसी हिसाब डाल के हटा देना, फिर यहाँ पे आके स्वाप करना, आप लोगों का स्वाप हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ देखो, मैं आप लोगों का इनका जो स्लिपेज होगा ना, अगर आपको एरर आता है, देन मुझे तो स्लिपेज पता चल जाएगा, और मैं आप लोगों को स्लिपेज ढूंढ के जो लिख के दे दूंगा ना ग्रुप पे, आप उसी हिसाब से तुरंत स्लिपेज डाल के बाय स्वाप कर सकते हो। अगर आप स्वाप करते टाइम अगर आप लोग कुछ भी एरर यहाँ पे आता है, ठीक है, याद रखो, अगर आप स्वाप करते टाइम कुछ भी एरर आता है, देन आप लोग क्या करोगे, देखो आप लोग अगर इस तरह एरर आता है ना, देन आप लोग यहाँ पे दिखा देगा 3 डॉट, ठीक है, यहाँ पे आप लोग 3 डॉट देखो, यहाँ पे अप्रूव करते टाइम अगर आप लोग एरर आता है, देन आप लोग फिर से दोबारा देना, आप लोग जो सॉरी सेटिंग दिखा दे रहे ना, सेटिंग के बटन पे क्लिक करना, अगर आपको एरर आता है तो, देन आप लोग यहाँ पे गैस फीस 5 रहता है, हर कोई चीज़ का गैस फीस 5 रहता है, देन आप लोग क्या करना, यहाँ पे 10 कर देना, 10 करने के बाद क्या होगा ना, सेव कर देना, यहाँ पे थोड़ा चार्जेस ज़्यादा हो जाएगा। मान लो आपका एक जगह पे आप लोगों का 20 रुपये का चार्जर लगता है, देन वहाँ पे 40 रुपये का चार्जेस लग जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, जब भी आप लोग यहाँ पे स्लिपेज अगर इनका ज़्यादा रहता है, स्लिपेज अगर आप लोगों का यहाँ पे 10 स्लिपेज रहता है या फिर 5 स्लिपेज रहता है, देन वहाँ पे भी थोड़ा
मान लो हम 5 टोकन बाय करें ना, देन हमारे वहाँ पे 1.5 टोकन मतलब कट जाएगा, 3.5 टोकन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे स्लिपेज का काम होता है। तो आप लोग आराम से बात कर सकते हो, अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, देन स्लिपेज डालना और वहाँ पे सेटिंग पे जाके आप गैस फीस डालना, ठीक है। पहले तो अप्रूव कर लेना, अप्रूव हो जाएगा सही बात है, नहीं तो गैस फीस डालना। और याद रखो आप लोग जब भी टोकन बाय करोगे, मान लो $5 से बाय कर रहे हो, तो आप लोगों का टोकन 40 टोकन से ऊपर होना चाहिए, अगर होगा ना तो अभी बाय करना, नहीं तो वेट कर लेना कुछ टाइम तक, वेट कर लेना, चेक करते रहना $5 पे कितना टोकन आ रहा है, $5 पे कितना टोकन आ रहा है, $5 पे कितना टोकन आ रहा है, फिर जब भी प्राइस नीचे आएगा आप लोग उस टाइम भी बाय कर सकते हो, ठीक है। अब अपना सब कुछ पता चल जाएगा, चल गया होगा। उसके साथ साथ मैं आप लोग बोल देना चाहता हूँ भाइयों, देखो आप इनके वेबसाइट पे, इनका जब 9:30 बजे इनका वेबसाइट ओपन होगा ना, आप याद रखो इनका वेबसाइट पे बाय करने की कोशिश करना, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे तुरंत बाय हो जाएगा। तुरंत किस तरह बाय होगा, तो वेबसाइट पे किस तरह बाय करोगे, उस वहाँ पे भी सेम टू सेम प्रोसेस आएगा। ऊपर आप लोगों को BUSD और फिर BNBO चूज कर लेना, नीचे आप लोगों को उनका टोकन आ जाएगा, ठीक है, उनका टोकन आ जाएगा सीधे, नहीं तो उनका टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस आप लोगों को उनका वेबसाइट पर मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट एड्रेस को पहले से कहीं पर सेव करके रख लेना, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट डाल के स्वैप कर लेना, आप लोगों का स्वैप हो जाएगा। और याद रखना $5 से अगर आप बाय कर रहे हो देन 40 टकन से ऊपर होना चाहिए, ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखो, आप लोग सेल कैसे करोगे, आप लोग प्रॉफिट कैसे होगा, मान लो आप उस टोकन का प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर जाएगा या फिर नहीं किस तरह पता करोगे। मान लो आपने $5 से बाय की हो ना, देन यहाँ पे $5 डालना, $5 डालने के बाद आप लोगों के यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर $5 पे आपने बाय कर चुके ना, $5 पे 40 टोकन भी बाय कर सके हो, तो आप लोग यहाँ पे $5 डालना, $5 डालने के बाद उस टोकन का प्राइस यहाँ पे दिखाई देगा। $5 पे अगर 1 टोकन बन रहा है या फिर 2 टोकन बन रहा है, तो समझ जाना उस टोकन का प्राइस बहुत गुना हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, उससे तुरंत यहाँ पे ऊपर देखो, कोई टोकन सेल करते टाइम ना ऊपर उसी टोकन का रहने देना, ऊपर वो जो टोकन होगा ना ऊपर उसी टोकन को यहाँ पे रहने देना, और नीचे BNB हो या फिर BUSD स्वैप कर लेना उसी में। अगर कोई टोकन बाय करते टाइम ऊपर BNB रहने देना, नीचे उसी टोकन को, अगर सेल करते टाइम उसी टोकन को ऊपर रहने देना, नीचे BNB या फिर BUSD रह के स्वैप कर देना, ठीक है। बस इसमें इतना काम आज के इस वीडियो में से इतना यार भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक कर देना, और याद रखो जो करना आप अपने रिस्क पे करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।